Hello and good morning and welcome to the brand new episode of Aditya Vlog. आज बज रहे हैं सुबह के 3:30, 3:25 का टाइम अभी हो रहा है और उठने के बाद जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए. मेरा दोस्त ये बहुत लेट आया है, पता नहीं क्यों आता है ये लेट, आई डोंट नो, बट मैं पिछले 20 मिनट से इसका वेट कर रहा हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस. ये दिखाई नहीं देगा अभी, इसकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई. चलो जल्दी से जाओ. और गाइस ये मैं पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन गाजियाबाद. हम तीनों आ गए हैं यहाँ छोड़ने आए हम अपने मम्मी पापा ने. देखो यही ट्रेन में गए हैं एसी वाली. अरे देख देख चलती ट्रेन गाइस. देखो ट्रेन चलती, 2 मिनट और नहीं बैठते तो लेट हो जाते. चलो भाई अब हम घर चल रहे हैं भाई. सुबह सुबह वैसे ही दिमाग खराब है. हमारा गया अपना राकेश स्मारक. भाटिया मोड़ भी है यहाँ. मुझे ड्राइव नहीं करवाया ना. ले तू चला ले. रेलवे स्टेशन से घर हम आराम से आए. 1-1.5 घंटे में घर में पहुंचा था धीरे धीरे से. और उसके बाद बस नहाया खाया पिया और मैं फिर से घूमने निकल गया. आ जाओ फिर चलते हैं घूमने. गाइस मम्मी पापा को छोड़ने के बाद और अब मैं जा रहा हूँ मथुरा. कार मैंने यहाँ सामने पार्किंग में लगा दी थी. कार पार्क हो गई है और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए. गाइज मैं तो कहूंगा कि संडे को छोड़ के कभी भी आ जाओ, क्योंकि संडे को बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पे. दर्शन कर दिए हमने. बाकी बिहारी जी के दर्शन ही बड़ी मुश्किल से हुए थे और अब हम निकल गए थे दूसरे रास्ते पे. यहाँ से करीब 40 किलोमीटर मुझे चलना था और उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं कहाँ देख लो खुद ही. भाई साहब कीर्ति मंदिर तो है बंद और हम ना कर पाए एंट्री और वहाँ पे भैया भैया खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं. क्या कुछ होएगा तो होएगा तो हम भी चले जाएंगे भाई. 12 बजे बंद हो जाता कहीं है तो अब हम चल रहे हैं दूसरी जगह. कार को मैंने लगा दिया यहाँ पार्क और पार्किंग के भाई साहब 100-100 रुपए ले रहे हैं लोगों से. और यहाँ पहुँच गए राधा रानी मंदिर. और राधा रानी मंदिर काफी दूर है. और मैं आ गया उसके बाद बरसाने राधा रानी के मंदिर. एक रास्ता तो जाता है घूम के जो आप जा सकते हो कार लेके, लेकिन मैं स्टेयर्स यूज करके आया था जो जल्दी पहुंच जाऊं. नॉर्मल टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है जितनी आज यहाँ देखने को मिल गई. मंदिर के गेट बंद होने के कारण लोग बहुत सारे जमा हो चुके थे. मुझे भी यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद भैया बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए. एक बर्फी का पीस मिला है और एक फूल मिला और भैया को चुनरी मिल गई है. चुनरी दिखाओ. हमने तो भाई बर्फी का प्रसाद खा भी लिया. देखा भाई खा ही लिया हमने तो. हम तो घर तक लेके ही ना पहुंच पाया. सही है वैसे बढ़िया, किसी ने तो बांटा ही होगा. चल रहे हैं चलो. गाइस हम लोग ना दोबारा चले गए और दो दो बार प्रसाद फिर से लिया. मुझे देखा एक श्रृंगार और एक प्रसाद फिर से. दारू पार्ट चल रही गाइस. चिप्स दे दो भाई, चिप्स दे दो. ये देखो इज्जत ही नहीं है हमारी जैकेट की तो. मैंने कौन से पैरों में डालू. कोई बात नहीं भाई, ऐसी होता है. गाइस हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा सूसू करने या फ्रेश होने, कुछ भी बोल दो, दोनों चीज़ में से एक. तो अभी सब लोग गए हैं फ्रेश होने के लिए तो मैं भी थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया. मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लें. ये हाईवे का ही है जगह, यहाँ पे हाईवे के लोग आते हैं.
यहाँ पे कुछ अंग्रेज वंग्रेज भी आए हुए हैं भाई, देख रहे थे मेरे तिलक को। तिलक तो खैर छूट गया, अब थोड़ा सा रह गया। अब घर यहाँ से रह गया थोड़ी सी बस, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।